इस गल ते जोर देंदा है कि मुसलमान अपनी जारी ते बातनी तहारत का मुहाफज होवे ते अपने जिसम ते कपड़े ते फर्श और इर्द गिर्द दे माहौल नू नापाकी तो पाक रखने का अहतमाम करे और अपने इस अमल तो इस बात का इजहार करे कि इस्लाम खूबसूरती का मुरक्का है और पकीज़ा दीन है। नीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी नू अद्धा ईमान करार देंदे हुए फरमाया, पाकीज़गी ईमान का जुज़ है। चुनाचे इस्लाम ने मुसलमाना दे लिए इस बात को ममनू करार दिता है कि रस्ते दे अंदर या लोगों के बैठने की जगह कज़ाए हाजत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ां जो लानत का सबब बनदियां ने उन्हां तो बचो। साहबा ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल वो दो चीज़ियाँ केड़ियां ने? फरमाया, जो लानत का सबब बनदियां ने उन्हां चो आपने फरमाया जो लोगों के रस्तियां च उन्हां दी साएदार जगह के उत्ते कज़ाए हाजत करे। इस तो इलावा ठहरे हुए पानी के अंदर कज़ाए हाजत करना तो भी मना फरमाया ताकि पानी नापाकी हो नापाक होने तो बचाया जा सके। चुनाचे हदीसे मुबारक च आया कि ठहरे हुए पानी च पेशाब करने तो रोकया गया है। लिहाजा इस्लाम ने मुसलमाना दे वास्ते कज़ाए हाजत के अहकाम और आदाब मुकर्रर किए ने जिन्हों का ख्याल रखना बड़ा ही जरूरी है। बस पेशाब करदे हो एहतियात करने का हुक्म दिता गया ताकि पेशाब के छिट्टियां तो बचा जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छिट्टियां तो बचो क्योंकि कब्र का अजाब अक्सर औकात इन्हों तो ना बचन की वजह नाल हुंदा है। और कज़ाए हाजत तो बाद पानी पाक पत्थर या टिशू पेपर नाल नापाकी नू दूर करना लाजमी है और सज्जे हाथ की अजमत की वजह नाल इन्दे नाल इस्तंजा करन तो मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जदों तुस में तुहाडे चो कोई बैतुल खुला जावे तो अपनी शर्मगाह नू दाएं सज्जे हाथ नाल ना छूए। कज़ाए हाजत के अदाब चो एक अदब यह भी है कि बैतुल खला जाते हो और उतों निकलदे होया मसनून दुआ पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैतुल खला जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और जो बैतुल खला तो बाहर निकलते तो कहें गुफरानक। और एक अदब यह भी है कि कज़ाए हाजत के दौरान किबला की तरफ मुँह या पुश्त ना की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम कज़ाए हाजत करो तो किबला की तरफ चेहरा या पुश्त ना करो, बौलो बरास करते हो शरकन गरबन बैठो। और बैतुल खला च ऐसी कोई चीज़ लैके जाना मना है जिंदे ते अल्लाह का नाँ लिखा होवे। इस तरह कज़ाए हाजत के दौरान जबान तो अल्लाह का जिक्र ना करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, लोगों के सामने शर्मगाह ना खोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने और अपने माहौल की सफाई पकीज़गी का ख्याल रखना अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल का जरिया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मस्जिद कुबा वालों की तारीफ करदे फरमाया, कुछ वो ऐसे जो लोग ने जड़े पाक रहने पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वाले नाल मोहब्बत करते हैं।